ये देखिए शरणानंद जी महाराज पूरे फूलों से यहाँ पर ढक गए हैं। आखिर ऐसी कैसी होली होती है? ये जो फूलों की होली है इस ब्रज में विश्व की प्रसिद्ध होली है। और यहाँ पर एक होली नहीं, यहाँ पर लड्डुओं की होली होगी। शरणानंद जी महाराज यहाँ पर लड्डुओं की होली खेल रहे हैं। ये देखिए कितना ही अद्भुत नज़ारा आज आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस वीडियो में आज आप लड्डुओं की होली देखेंगे, इस वीडियो में आप आज लट्ठों की होली देखेंगे, इसी वीडियो के अंदर आपको रंगों की होली, गुलाल की होली और यहाँ पर कैसे अद्भुत तरीके के नृत्य होते हैं, कैसी लीलाएं होती है, फूल की होली का बड़ा ही महत्व है यहाँ इस ब्रज में। और ये बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन रमण रेती में 14 मार्च को ये होली हुई, बड़ा ही अद्भुत आज हमें यहाँ पर आनंद आया। अगर आप भी इस आनंद को लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज आपको ब्रज की सभी होली एक साथ देखने का मौका प्राप्त होगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और आप संपूर्ण होली देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लड्डुओं की होली, श्री कृष्ण जी स्वयं यहाँ पर लड्डू लुटा रहे हैं और बड़ा ही अद्भुत आनंद यहाँ पर भक्तजन ले रहे हैं। ये देखें ये लड्डू पन्नियों में भर के पैक करके बांटे जा रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर फूलों की होली होती है तो एकदम यहाँ पर ऐसा उत्साह उठ जाता है जिसका आनंद लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस भव्य आनंद को आज आप इस वीडियो के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो में ऐसी अद्भुत होली आज ब्रज की दिखाई जाएगी, जो कि अपने आप में नामी होली है। पूरे विश्व भर में ऐसी होली कहीं और नहीं मनाई जाती है जैसी रमण रेती में मनाई जाती है। यहाँ पर इतने कुंटल फूल का ढेर लगा हुआ है, इन सभी फूलों से यहाँ पर होली होगी और यहाँ पर मिठाई की भी होली होगी। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मिठाई भी बांटी जा रही है, जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं उन सब के लिए यहाँ पर मिठाई का बांटने का आयोजन प्रारंभ हो गया है। और ये संपूर्ण आनंद आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही विस्तृत पूर्वक जानकारी हो सके, संपूर्ण जानकारी हो सके, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन छोटे वीडियो इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि छोटे और शॉर्ट वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल नहीं पाती है। इसलिए आप इस वीडियो में यहाँ पर यहाँ की संपूर्ण आनंद आज लेंगे। ऐसा आनंद जब आप प्राप्त करेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा और आप कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रगणों के पास, अपने नाते रिश्तेदारों के पास, अपने परिचितों के पास। हर प्रकार से आज ये वीडियो आपको शेयर करना ही करना है, क्योंकि ब्रज में अब हो गई है होली प्रारंभ और ये 17 तारीख को बरसाने में लड्डू की होली होगी, 18 तारीख को लट्ठमार होली होगी नंदगांव में, और रावल में 19 तारीख को होली मनाई जाएगी और 26 तारीख को हुरंगा होगा, 26 तारीख को बलदेव में हुरंगा होगा, जाब में हुरंगा होगा और मुखराई में चरकुला नृत्य होगा। बड़ा ही अद्भुत आनंद लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो संपूर्ण आनंद आप इस ब्रज की प्रसिद्ध होली का ले सकेंगे। तो साथियों, चलते हैं उस अद्भुत आनंद की तरफ जहां पर देवता भी तरसते हैं इस होली के लिए। तो मैं चलता हूँ। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं ब्रज की होली के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसे रमण रेती के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर फूलों की होली होगी। 11 कुंटल फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं और उनको पानी में घोल के यहाँ पर रंग डाला जाएगा और यहीं पर इतना अद्भुत दृश्य आज श्री कृष्ण जी की लीलाओं का होगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगा। तो उसका आप संपूर्ण आनंद लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालुजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और भक्तजन यहाँ पर हैं, और यहीं पर आप देख सकते हैं इसी मंच पर यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है श्री कृष्ण जी की लीला का, यहाँ पर आप देखेंगे। तो कराते हैं आपको बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन उसी स्थान की,
जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने साक्षात यहाँ पर रमण रेती में मिट्टी खाई है और यहीं पर आनंद लिया है। अभी गुरुदेव यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुजी यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर होली का महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। और यहाँ पर आप भक्तों में देख सकते हैं कितना आनंद और उत्साह है। यहाँ पर गुरुदेव आ रहे हैं कुछ ही क्षणों में। ये देखें शरणानंद जी महाराज यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत ही अद्भुत, सभी भक्तों को दर्शन देते हुए मंच पर पधारेंगे और यहाँ पर बड़ी ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। मेरा कैमरा मैन वापस क्या बोलना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ क्या बोलना चाहते हैं। मैं इस महोत्सव के बारे में दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि ये महोत्सव 5 सालों से चलता आ रहा है, 5 साल है, और इसकी बहुत विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसकी होली है। और देखो हमारे महाराज जी पधार चुके हैं, आपको जैसा कि दिख रहा होगा कैमरे में, रिपोर्टर सचिन के साथ कैमरामैन पीयूष भगत। गुरु जी महाराज यहाँ पर आ चुके हैं, मंच पर पधार चुके हैं। ये देखें आप गुरु जी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर होने वाला है बहुत ही भव्य आनंद, आज आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखें कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आरती का महोत्सव होने वाला है जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर देखें गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। जी क्षणों में यहाँ पर आरती होने वाली है, बहुत ही अद्भुत। ये देखें आप भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर अत्यधिक ज्यादा है। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आरती का प्रोग्राम महोत्सव शुरू होने वाला है। ये देखें आप यहाँ पर आरती का महोत्सव प्रारंभ हो गया। गुरुदेव यहाँ पर आरती कर रहे हैं। Thank you.
शरणानंद जी महाराज आ चुके हैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए। जय हो शरणानंद महाराज की जय हो। बहुत ही अलौकिक आनंद आज यहाँ पर इस ब्रज में बरस रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। आरती का महोत्सव कर रहे हैं, कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाली है होली। प्रारंभ हो गई है होली, आरती के बाद ही यहाँ पर ये देखें। शरणानंद जी महाराज जी बहुत ही अद्भुत आरती कर रहे हैं। यहाँ पर आरती हो चुकी है, गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान को राधा रानी को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब आप आनंद लेंगे उस अद्भुत होली का जो इस ब्रज में आज भी यहाँ पर होती है। ये आप उधर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूलों का ढेर लगा हुआ है। शरणानंद जी महाराज यहाँ पर बैठ जाएंगे और अभी शरणानंद जी महाराज आरती करने के बाद भक्तों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं। ये देखें आप, शरणानंद जी महाराज उधर की तरफ जा रहे हैं और बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर आप आनंद लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने भक्तजन इस क्षण का आनंद लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसी मंच पर यहाँ पर अभी श्री कृष्ण जी की फूलों की होली होगी, यहाँ पर गुरुदेव जी आएंगे, शरणानंद जी महाराज, और इस का अद्भुत आनंद आज आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल से ले सकते हैं। तो चलते हैं, अंत में जाकर पेशों के कलर की होली होती है। तो आपसे प्रार्थना है कि जब पहली होली होती है आप अपने स्थान पर खड़े ना हो जाएं, सभी होली का आनंद लें, सभी होली के दर्शन मुझे सतगुरुदेव भगवान आप सभी के पास वहां तक पहुंचेंगे और सभी को रंग का प्रसाद आप सभी को देंगे। तो इसलिए कोई भी बीच में खड़ा ना हो। एक और मर्यादा, ये जो होली का यहाँ पर कुछ ही समय में अभी बहुत ही अद्भुत होली यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ से ही गुरुजी आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, और होली यहाँ पर प्रारंभ होगी। जितने भी यहाँ के जो शिष्य हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर दिव्य आनंद आप लेंगे। मोहन बदन पे जनी
पंडाल पूरा यहाँ पर भर चुका है और यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है देखने वाले वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ पर कृष्ण जी की जो लीला है वो चल रही है, तो आपको दिखाते हैं उस अद्भुत लीला को। कोई सावल कोई
सभी लोग बैठ के आनंद ले, बहुत सारी लीला है। ध्यान रखिएगा किसी को बात में फिर कुछ फेस पहुंच जाए, मेरे मैं नहीं जानता हूँ। हाँ ध्यान रखिएगा, मंच पर नहीं चढ़ जाता। अभी होली प्रारंभ हुई है, आप लोग जानते हैं हमारे ब्रज में होली के कितने दिन हैं। अभी आप साहित्यिक होली का दर्शन कर पा रहे थे, श्रवण कर पा रहे थे, साथ में आपने लठमार होली का भी दर्शन किया। अभी लड्डू होली प्रारंभ हो रही है, इसके बाद में फूल होली, रंग होली, गुलाल होली, अभी तो बहुत सारी होली, अभी तो होली प्रारंभ हुई है। और अगर प्रारंभ में ही आप लोग घर को छोड़ेंगे तो फिर बाकी होली का आनंद कैसे ले पाएंगे। हम आपसे हाथ जोड़ करके सर्वदा निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने संयम का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे। मीडिया वाले बंधु भी भैया आप थोड़ा बैठ के आनंद लें तो ज़्यादा अच्छा है, पीछे वालों को परेशानी होती है। विद्यार्थी बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किसो, फाग खेल you।
पीछे रखना मत दीजिए, आगे बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। कोई आगे नहीं आ रहा बिल्कुल, अभी तो बहुत सी लीला बाकी है, ये तो केवल फूलों की होली हुई है। बिल्कुल धैर्य का परिचय दीजिए, अपनी जगह पर बैठे रहिए। फूल अभी स्टेज से कोई फूल नहीं बरसाएगा, वहां आगे जाइए, आगे जाकर के फूल वर्षा करिए, पीछे पहुंचकर पूछे पीछे पहुंच करके पुष्प वर्षा करें। हमारे बाल-बाल और जो भी ये ठाकुर जी के सेवक लगे हुए हैं, पीछे तक फूलों को पहुंचाइए, यहाँ से मंच से कोई फूल वर्षा न करें। ये यहाँ जो भाई बंधु आगे आ रहे हैं वो कृपा करके धक्का मुक्की न करें, थोड़ा पीछे हट जाइए। ये जो बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आए हैं, आपसे निवेदन है कृपया अपने स्थान पर, यदि आप इस तरह से करेंगे तो आगे की लीला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। धैर्य बनाइए और प्रेम से गाकर के आनंद लीजिए होली का, सब गाइए। तुम्हें खोए गया बाजू रसिया होली में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अद्भुत होली हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये देखें, यहाँ पर फूल भी आ चुके हैं, मिठाई भी आ चुकी हैं, और गुलाल की होली, रंग की होली, सभी प्रकार की होली रमन रेती में यहाँ पर हो चुकी हैं। बड़ा ही अद्भुत आनंद यहाँ पर आ रहा है, ये पंडाल पूरा भरा हुआ है जैसा कि आपने प्रारंभ में देखा था। अब यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर मिष्ठान बांटे जा रहे हैं,
लड्डू यहाँ पर पहले बांट दिए गए थे और अब यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं उन सब के लिए मिठाई के डिब्बों को भी सीधे सीधे दिया जा रहा है कि अपने आप बांट लो। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक, ऐसी होलियों को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये देखें यहाँ पर होली का जो उत्सव है वो पूरा हो चुका है, अब कुछ ही देर में यहाँ पर होली समाप्त हो जाएगी और बड़े ही अद्भुत आनंद के साथ में यहाँ पर आज होली हुई है। जो आपने इस संपूर्ण होली का अद्भुत आनंद लिया है, बहुत ही अलौकिक। जय हो। साथियों, आपने इस अद्भुत रमण रीति की होली के आनंद लिए जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। देवता भी यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं इस होली में। और यहाँ पर अब रंग की होली हो रही है, गुलाल की होली हो रही है, फूलों की होली आपने देखी जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी। कितनी अच्छी यहाँ पर लीला हुई है, ऐसी लीला यहाँ पर जो मन को प्रसन्न कर दे, तो ऐसे दर्शन आज हमने आपको कराए हैं। ये वीडियो आपने हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।